हेलो एंड वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग कुछ सिलेक्शन ऑफ बेंच पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि बेंच के जो पैरामीटर्स होते हैं वो किस आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं, पर्टिकुलरली हाइट ऑफ द बेंच एंड विड्थ ऑफ द बेंच, और उसका क्या परिणाम है। दिस इज लेक्चर नंबर 37। बेंच की हाइट, जैसा आप जानते हैं, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड टो ऑफ ए बेंच। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बेंच, देन इन दिस बेंच दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज द टो। इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वाला नॉट स्लोपिंग डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द बेंच। और ये हाइट कितनी रहेगी, ये बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर होता है। सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। रॉक अगर वीक होगी तो हमें छोटे बेंचेस रखने होंगे। ड्रिलिंग लेंथ, हमारी जो ड्रिलिंग मशीन है, इट शुड बी एबल टू ड्रिल दिस मच हाइट, और थोड़ा सबग्रेड ड्रिलिंग भी कर सके, ऐसी होनी चाहिए। प्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, हायर द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, हायर बेंचेस विल बी मेड। ग्रेड वेरिएशन जितना ज्यादा रहेगा और जिस हाइट का रहेगा, उस हिसाब से हमें एक बेंचेस लेने होंगे। अगर ग्रेड वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो हमें छोटे बेंचेस लेने होंगे, ताकि हम कुछ सिलेक्टिव पोर्शन का माइनिंग कर सकें। ओवरऑल स्लोप जो रखने वाले हैं पिट का, वो क्या होगा वॉल रॉक्स का, और स्ट्रिपिंग रेशो क्या होगा। उसी प्रकार जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, इफ देर आर मोर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, इन दैट केस स्मॉलर बेंचेस विल हैव टू बी मेड, क्योंकि ये सारे अनफेवरेबल टू हायर बेंचेस पैरामीटर्स है। हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशन का भी वैसा ही है। डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकावेटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकावेटर इज ऑल्सो ए डिसाइडिंग फैक्टर फॉर हाइट ऑफ द बेंच। हायर द बेंचेस, जितने ज्यादा ऊंचे बेंचेस रहेंगे हमारे पास वर्किंग एरियाज, उतने फी होते हैं, कम होते हैं, और आसान होता है सुपरविजन करना। कानून के हिसाब से, डीजीएमएस के हिसाब से, जो डिगिंग हाइट होती है मैक्सिमम किसी भी एक्सकावेटर की, उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। या सॉफ्ट फॉर्मेशन अगर है कोई, तो 3 मीटर तक डिगिंग हाइट से ज्यादा ऊंची बेंच रह सकती है, बशर्ते इसकी परमिशन ली जाए। उसी प्रकार लूज रॉक में 1.5 मीटर से ज्यादा मोटी ऊंची बेंचेस नहीं होनी चाहिए, और हार्ड रॉक में जरूर ये इवन अप टू 10 मीटर एंड मोर देन 10 मीटर आल्सो डीजीएमएस कैन परमिट। तो ये डीजीएमएस वहां की स्टडी करवा के ये तय कर सकती है कि आप कितने बेंचेस यहां किस हाइट के रख सकते। रेगुलेशन के हिसाब से एल्यूवियल या सॉइल जैसे सॉफ्ट फॉर्मेशंस में, या तो आपको साइड्स जो है पिट की साइड्स को 45 डिग्री के स्लोप पे रखना होगा, या फिर 1.5 मीटर की बेंच बनानी होगी ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा ऊंची बेंच नहीं हो सकती है, और विड्थ ये नेसेसरीली हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि स्लोपिंग फेस पर तो कोई काम करता नहीं है, बेंचेस बनाकर ही काम करते हैं। हार्ड रॉक में अगेन, एज ऑलरेडी आई हैव सेड, कि भाई आप हायर बेंचेस रख सकते हो, लेकिन इसकी परमिशन लेनी होती है। कोल में ये 3 मीटर तक परमिशन देते हैं हाइट। बेंच की जो विड्थ है वो फ्लोर है विच इज एक्सपोज टू एयर। ये जो खुली हुई फ्लोर है टोर्स से लेकर के क्रेस्ट तक, ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये जो चौड़ाई है, इसी को विड्थ ऑफ द बेंच कहते हैं। डीजीएमएस का ये कहना होता है कि विड्थ ऑफ द बेंच शुड बी मोर देन द हाइट, ताकि कोई पत्थर अगर गिर जाता है तो लोगों के पास सफिशियंट स्पेस हो भागने के लिए, उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। और ये भी है कि जो हाइट से ज्यादा तो रहेगा ही,
और जो लार्जेस्ट मशीन यहाँ अप्लाई कर रही है, मान लीजिए यहाँ डंपर चल रहे हैं, एक्सकैवेटर चल रहा है और भी कोई बड़ी मशीन भी चल रही है, तो जो सबसे बड़ी मशीन है उससे 4 मीटर कम से कम ज्यादा उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। उसी प्रकार टू वे ट्रैफिक अगर है, यानी उसी बेंच पर से एम्प्टीज भी जाती है और लोडेड भी आती है, ऐसी सूरत में जो वहां की जो मशीन है लार्जेस्ट प्लाइंग, उसकी चौड़ाई के 5 गुना चौड़ाई हमारी बेंच की होनी चाहिए। सिंगल वे ट्रैफिक में 3 गुना चौड़ाई कम से कम होनी चाहिए, ताकि ये सुरक्षित ढंग से मशीनें भी प्लाई कर सकें और कन्वीनियंटली काम भी हो सके। यहाँ देखिए आप, ये सेक्शन में दिखाया गया ये चौड़ाई है, और ये प्लान में आप देखिए कि इस प्रकार से जनरली बेंचेस को प्रोग्रेस किया जाता है। ये ट्रक यहाँ लगा है, यहाँ शॉवेल है, ये ट्रक्स इस प्रकार से आकर के यहाँ भरेगा और यहाँ निकल जाएगा, दूसरा ट्रक यहाँ से ऐसा आएगा, ये साइकिल आप तय कर सकते हैं। तो ये एक वर्किंग बेंच का प्लान दिखाया गया है और इतनी चौड़ाई हमको जरूरत पड़ती है। यहाँ देखिए ये भी इसमें दिखाया कि ये ट्रक इस तरफ चलेगा और यहाँ शॉवेल लगाई है, ये शॉवेल घूम करके यहाँ पर इस ट्रक को लोड करेगा, तो ये और ये बम दिया हुआ है। तो बेंचेस शुड बी वाइड इनफ सो दैट द ट्रक्स डंपर्स एंड द शॉवेल लोडिंग दिस डंपर्स कैन प्लाई वेरी इजिली एंड कन्वीनियंटली, ताकि कहीं पे भी कंजेशन नहीं हो ट्रैफिक का। यहाँ भी देखिए कुछ इन्होंने बताया है कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मिनिमम विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच जो है, इट शुड बी 0.8 टाइम्स द बेंच हाइट, यानी करीब करीब बेंच हाइट के बराबर, प्लस डंपर विड्थ, प्लस शॉवेल के जो भी डायमेंशन है, प्लस 4 मीटर। इस प्रकार से भी एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रखना चाहिए, ताकि सफिशियंट व्यू, सफिशियंट जगह मशीनों को अप्लाई करने के मिले। यहाँ आप देखिए कि ये एक कट दिखाया है, और यहाँ पर शॉवेल रहेगा और यहाँ पर ये ट्रक रहेगा। यहाँ पर शॉवेल की फोटो नहीं दिखाई, लेकिन ये इस जगह शॉवेल रहेगा, यहाँ ये ट्रक है, यहाँ ये सेफ्टी वर्म जो लगाया है, इसी को प्लान में दिखाया गया कि ये शॉवेल है और ये ट्रक है, ये वाला ये शॉवेल है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डॉटेड दिखाया गया लाइन, ये स्लोप है बेंच का। तो यहाँ पर ये होल्स लगेंगे, दीज आर दी होल्स, और इन होल्स को दोनों तरफ फ्री फेस मिलेगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और ये मक, कोशिश ये होनी चाहिए कि इस प्रकार से ब्लास्टिंग हो कि मक ज़्यादा ना फैले और इतनी जगह पर ही ये मक रहे, ताकि ट्रक्स वगैरह को जाने में आसानी रहे और ये नीचे भी इसका जो ब्लास्टेड मटेरियल है वो ना जाए। तो विड्थ ऑफ द बेंच ये बाद में डिसाइड होती है, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द बेंच एंड नंबर ऑफ मशीन्स प्लाइंग एंड द काइंड ऑफ मशीन, और जो उसकी विड्थ है उसके अनुसार। ये कुछ टिपिकल सेट ऑफ बेंच हाइट और एंड विड्थ दिया हुआ है इस टेबल के अंदर। ये बड़ी किसी माइन का है, जैसे कॉपर में है ये बेंच हाइट 12 से 18, तो बेंच विड्थ आप देख लीजिए कि करीबन उससे दुगनी रखी हुई है, और ये बेंच का स्लोप भी काफी जेंटल स्लोप रखा गया है। तो इस प्रकार से बेंच की विड्थ और हाइट को डिसाइड किया जाता है। इसमें से हाइट पहले हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और मशीनें जिस ढंग से काम कर सकती है उसकी एक लिमिटेशंस होती है, तो उसी के अनुसार हम लोग बेंच हाइट रखेंगे। फिर जियोलॉजिकल कंडीशंस भी बेंच हाइट को डिसाइड करती है। अब थोड़ा सिलेक्शन ऑफ बेंच पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि अगर हायर और वाइडर बेंचेस हो, यानी कि ऊंचे और चौड़े बेंचेस हो, बेंच की हाइट और विड्थ ज़्यादा हो, तो क्या होता है, तो हमारे पास सिलेक्टिविटी नहीं रह पाती है, हम सिलेक्टिव माइनिंग नहीं कर सकते, और ऐसी सूरत में डाइल्यूशन ऑफ रॉक्स, जो भी वॉल रॉक्स है, जो वेस्ट रॉक है, वो हमारे मिनरल के अंदर मिक्स हो जाती है ब्लास्टिंग के समय, लोडिंग के समय, और कई बार हमारा मिनरल लॉस भी होता है, क्योंकि हमारे पास स्कोप कम रहता है सिलेक्टिविटी करने का। जरूर इसमें फीवर वर्किंग प्लेसेस होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य यह है कि हम यहाँ से मशीन दूसरी जगह लगा सके, ऐसी
कंडीशंस हमें कम मिलती हैं, जबकि छोटी बेंचेस में ये कंडीशंस हमको मिल सकती है और इसमें हम लोग मशीनों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में फ्लैटर स्लोप होंगे, अगर हायर बेंचेस होंगे तो जाहिर है उसी अनुपात में उनकी चौड़ाई भी ज़्यादा रहेगी और उनका जो ओवरऑल स्लोप होगा वो फ्लैट रहेगा, क्योंकि हमें चौड़े बेंचेस चाहिए होंगे। बहुत कम इक्विपमेंट की हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कम इक्विपमेंट से पूरी हो सकती है और इनके रिलोकेशन को हम लोग ज़्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती इसमें। हायर प्रोडक्टिविटी होती है, लोअर यूनिट कॉस्ट आती है, यानी पर टन, पर पर्सन, पर कंजम्पशन ऑफ डीजल ऑयल, हर इसमें हमको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मशीनें बड़ी होती है। इसमें सुपरविजन आसान है, क्योंकि बहुत कम जगह पर वर्किंग होते रहती है टू मीट आउट द सेम प्रोडक्शन। अब बेंच की हाइट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर फिर बताया गया है कि डिपॉजिट के कैरेक्टर पर है, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी पे है, स्लोप स्टेबिलिटी के कंसिडरेशन पे है और इक्विपमेंट पे भी है, जो हमने पहले भी किया। यहाँ आप देखिए कि ये बेंचेस दिखाया है और ये बहुत हाई बेंचेस हैं। अब ये बेंच जब हाई बेंचेस रहेंगे तो इसमें आपको डाइल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा है, उसी प्रकार कुछ ओर का लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जब ये बेंच चलेगी तो वो इस प्रकार का मटेरियल आपके बेंच के अंदर डाइल्यूशन में आ जाएगा। अगर यही बेंचेस छोटी होती तो हम शायद ऐसी दो तीन बेंचेस लेते तो हम सिर्फ ओर को ही ले पाते और हम वेस्ट को छोड़ भी सकते थे, बट दैट सिलेक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल व्हेन द बेंच हाइट इज मोर। तो ये बेंच की हाइट डिसाइड कर रही है और हमें ये देखना होता है कि ज्योमेट्री ऑफ ओर बॉडी कैसी है और हम किस प्रकार से बेंचेस से ज़्यादा सिलेक्टिव माइनिंग कर सकें। तो यहाँ देखिए ये पोर्शन हमारे बेंच में आ जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये भी डाइल्यूशन हो जाएगा और हमारा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉस हो रहे हैं, ये पोर्शन लॉस हो गया। अब हम यहाँ इसके लिए अलग से यहाँ तक अगर बेंच बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको इसमें हायर बेंचेस में थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। बेंच की हाइट कम रहेगी तो जो रैंप के अंदर दबने वाला जो वॉल्यूम है, क्योंकि रैंप, यहाँ रैंप से तात्पर्य है हॉल रोड्स, तो उसके नीचे दबने वाला जो वॉल्यूम है उसके नीचे जो हम फॉर एवर हमारा जो मिनरल लॉक हो जाता है वो कम रहेगा, क्योंकि चौड़ाई भी कम रहेगी बेंचेस की। जो कंटूर एरियाज यानी कि किनारे किनारे के बेंच के जो पेरिफेरल एरियाज है वहाँ पर आसानी से हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग लेकर के उसके साइज को मेंटेन कर सकते हैं और सिलेक्टिव माइनिंग यहाँ पर आसान होती है। ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड का मटेरियल निकाला जा सकता है, मल्टी रो ब्लास्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार डिसएडवांटेज है कि बेंच, पुअर बेंच ग्रेड कंट्रोल, शावेल जो होता है उससे हम उसको नहीं कर सकते हैं। ड्रिलिंग जो है यानी ड्रिलिंग की एफिशिएंसी कम रहती है, रिड्यूस ड्रिलिंग यील्ड पर मीटर ड्रिलिंग के ऊपर मिलने वाला हमको जो या पर केजी एक्सप्लोसिव जो मिलने वाला मटेरियल है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। सब ग्रेड ड्रिलिंग की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है और शॉवल की प्रोडक्टिविटी जाहिर है छोटे बेंचेस रहने से कम हो जाती है। स्लोप के डिजाइन, जब हम ओवरऑल स्लोप लेते हैं तो मैक्सिमाइज द हाइट ऑफ द बेंचेस एट द एक्सपेंस ऑफ माइनिंग सिलेक्टिविटी। जैसा पहले बताया गया है कि सिलेक्टिविटी को आप कुर्बान करके हाइट ऑफ बेंच ले सकते हो। मैक्सिमाइज द विड्थ ऑफ वर्किंग बेंच एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा चौड़ा बेंच रहेगा हमारे बेंच की प्रोग्रेस में थोड़ी बाधा आती है, क्योंकि बहुत सा मिनरल एट ए टाइम बेंच की फ्लोर के नीचे लॉक्ड रहता है। मिनिमाइज द नंबर एंड विड्थ ऑफ कैच बेंचेस एट द एक्सपेंस ऑफ सेफ्टी। अगर कैच बेंचेस जो अपन ने पहले डिस्कस किया है उनके नंबर्स कम रखे जाए और उनको कम चौड़ा रखा जाए तो जाहिर है हमारा लॉस अंडर देम
विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि वो तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे कैच बेंचेस को, लेकिन सेफ्टी उस स्थिति में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. सो इट हैज टू बी एट द इट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ सेफ्टी, एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी. मिनिमाइज द विड्थ एंड नंबर ऑफ हॉल रोड. हॉल रोड्स जो है उनको अगर आप उनकी विड्थ कम करते हो और कम रखते हो तो प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी के ऊपर उसका दुष्परिणाम हो सकता है. बेंच पैरामीटर्स के बारे में बताया. एक अलग चीज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आपकी लीज बाउंड्री है गुलाबी कलर में दिखाई हुई, और आपने गलती से इस प्रकार से ये बेंचेस बन गए हैं जो ब्लू लाइन में दिख रही है, ये बेंचेस हो गए हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बेंच है ये बेंच आपके लीज बाउंड्री तक पहुंच गई है. ये 7.5 मीटर आपको छोड़ना होता है स्टैचुटरीली, दैट पार्टी यू हैव लेफ्ट, दैट बैरियर यू हैव लेफ्ट. लेकिन इस बेंच की हाइट ज्यादा है डीजीएमएस के स्टिपुलेशंस के अनुसार. ये हाइट अनसेफ है, यहाँ काम करने वालों को इतनी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में ये होता है कि इस प्रकार से फॉल्स बेंचिंग बनाई जाती है. इस फॉल्स बेंचिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ओर या रॉक जो भी फॉर्मेशन यहाँ है उसको आप टेम्परेरीली इस प्रकार से यहाँ डाल दीजिए और ये ऐसी स्टेप्स बना दीजिए, और फिर यहाँ पर लोग जा आ सकते हैं या रोड यहाँ से रोड गुजारी जा सकती है, इस पर से डंपर्स चल सकते हैं, ताकि अगर यहाँ कोई डंपर चलता है तो इसके लिए खतरा ज्यादा है ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर को लेकर के. जबकि यहाँ चलेगा तो उतना खतरा नहीं है, यहाँ चलेगा तो उतना खतरा नहीं. और डीजीएमएस की जो सेफ्टी के नॉर्म्स है वो भी पूरे किए जा सकते हैं. लेकिन ये तभी होती है फॉल्स बेंचिंग जब हम एक्सीडेंटली हम लोग कुछ ज्यादा ही हाइट यहाँ पर हो गई, या कोई बेंचेस इधर कोलैप्स हो गए हैं और इसकी वजह से ये हाइट ज्यादा यहाँ तैयार हो गई है, तो हमें इस प्रकार के फॉल्स बेंचेस बनाने पड़ सकते हैं टू गार्ड द सेफ्टी. सो विद थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. और इसी सब्जेक्ट पर लेसन नंबर 38 में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड इसका जितना हो सकता है आप इसका उपयोग करें और इसमें अपने कमेंट्स भी दें. थैंक यू वेरी मच.